आगामी विश्वचषकात पाकिस्तानशी खेळावे की नाही याबाबत भारताच्या माजी क्रिकेटवीरांमध्ये मतमतांतर दिसत आहे. भारताची माजी कर्णधार कपिल देव यांनी मात्र हा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारवर सोपवलाय. तर केंद्र सरकारने हा निर्णय घ्यावा आणि जो निर्णय घेतला जाईल तो सर्वांना मान्य असेल असं स्पष्ट मत व्यक्त केलंय. सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या वतीने आयोजित विविध क्रीडा स्पर्धांच्या पारितोषिक वितरण समारंभात कपिल देव बोलत होते. पुलवाम्यातील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संघानं पाकिस्तानची विश्वचषकात खेळावं का असा प्रश्न एका विद्यार्थिनीने विचारला. त्यावेळी कपिल देव यांनी काय उत्तर दिलं पाहूयात. बहुत अच्छा बात कहा है. अभी जो अटैक हुआ है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए कि नहीं? मुझे सिर्फ इतना कहना है, शायद मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि इसका आंसर दे सकूं. एक ही सिर्फ चीज कहूंगा, खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए ये हम जैसे लोगों को तय नहीं करना, ये गवर्नमेंट को तय करना है. उनके ऊपर है कि हम खेलें या ना खेलें. और जय जय. तो इसलिए चाहूंगा कि हम अपना ओपिनियन ना रखें, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दें, जो कंसर्न पीपल है उनके ऊपर बात छोड़ दें, उनको तय करें. जो वो कहेंगे वो देश की बेहतर के लिए होगा, हम वही करेंगे जो वो चाहेंगे.